मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेगासस मुद्दे पर शनिवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेगासस फोन में नहीं, कांग्रेस के डीएनए में है, राहुल गांधी के दिमाग में है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस का नया एजेंडा है, विदेशी धरती पर भारत का नाम बदनाम करो। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को देश और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस देश से साफ होती जा रही है। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विदेशी दूतावास में जाके भारत विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशों में भारत को बदनाम करो। देश में नहीं चल रही है कांग्रेस, साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिल में बसे। अब उनके काम का कोई जवाब नहीं है। देश की कीर्ति और प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही दुनिया में। अब तो पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अब देश में कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो विदेश में ही जाके आलोचनाएं करो। विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करना, देश की आलोचना करना, ये देश विरोधी कदम है राहुल गांधी जी, और इसलिए देश और देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।